नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSI फर्नीचर हीरोना में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यू टाइप का सोफा किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसा कि ये जो हमारा सोफा बनेगा, ये यू टाइप में बनेगा, जहां पर दो साइड आपको इस जो सिटिंग के लिए मिलेगा, और तीसरी साइड जो हमारा सोफा बनेगा वो स्लीपर बनेगा। तो जो दो साइड है वो आपको बैठने के लिए काम आएगा, तीसरी साइड आपको सोने के लिए काम आएगा। तो इस प्रकार का सोफा किस प्रकार से बनाया जाता है, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी चैनल में बना के रखा है, सोफा किस प्रकार से बनाया था उसके बारे में। उन दोनों वीडियो पर आप लोगों का काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से बनाए रखोगे। तो फ्रेंड, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको जो सोफा बना के बताएंगे वो यू टाइप में रहेगा, और दो साइड का जो रहेगा वो सिटिंग के लिए रहेगा, तीसरी साइड रहेगा वो स्लीपर रहेगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहे, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कभी भी अगर आप सोफा बनाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोफा का जो टॉप होता है वो आपको कटिंग कर लेना है। और क्योंकि अगर हम टॉप पहले कटिंग कर लेंगे तो पीछे जो प्लाईवुड बचेगा उसके अंदर हम फ्रेमिंग कर सकते हैं, तो हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करना है, टॉप कटिंग कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टॉप कटिंग करके रखा है, तो हम क्या करते हैं, टॉप को इस प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये जो 10 इंच आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे देखिए डोर है, डोर से यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी, यहाँ पे जो हमारा सोफा का हैंडल आने वाला, तो ये हमारा एक साइड का हो गया। इसकी अगर साइज की बात करें तो ये 65 इसकी लंबाई है और 34 इसकी चौड़ाई है। और उसके बाद जो दूसरा हमारा सोफा, ये देखिए, देखिए दूसरी साइड का हमारे प्लाईवुड हमने जो टॉप कटिंग करके लिए, ये इसकी साइज की 34 इसकी चौड़ाई है और 6.5 फीट इसकी लंबाई, यानी 78 इसकी लंबाई है। तो ये फ्रेंड हमारा दो साइड हो गया। अब जो हमारा तीसरी साइड है, ये देखिए, ये हमारा स्लीपर है, ये जो हमारा ये स्लीपर है, अगर इसकी साइज की बात करें तो 40 इंच इसकी चौड़ाई, यानी 40 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 6.5 फीट है। ये देखिए, ये इस प्रकार से, तो फ्रेंड देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये सोफा बनेगा। ये शेप रहेगा, ये यू शेप में रहेगा। ये जो आप सोफा देख रहे हैं, ये 65 इसकी लंबाई है और असल में 34 इंच है, और ये जो बीच वाला है ये सिटिंग के लिए, ये और ये दोनों सिटिंग के लिए, तो इसकी भी डेप्थ 34 इंच है और ऐसे में ये 6.5 फीट है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा स्लीपर है जो सोने के लिए काम आएगा, तो इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो 40 इंच इसकी चौड़ाई है और 6.5 फीट इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड ये हो गया। और उसके बाद इस तीनों की साइज की हमने यहाँ पे देखिए फ्रेमिंग बना के रखा है। फ्रेमिंग की बात करें तो 6.5 इंच इसकी हाइट है, ये देखिए, ये जो हाइट है 6.5 इंच है। और जो सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट हमने पूरे टोटल जो है 1.5 इंच के किए हुए हैं, और जो साइड है वो सिंगल प्लाईवुड में बनाया हुआ फ्रेम। तो तीनों का हमने फ्रेमिंग बना के तैयार कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इसका टॉप इसके ऊपर फिक्स कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसका जो टॉप फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारी फ्रेमिंग हो गई है, इसके ऊपर हम फेविकोल लगा लेते हैं, और ये जो हमारा टॉप है इसके ऊपर फिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे भी साइड में हम 6 इंच का पट्टी लगाएंगे, जिसके अंदर हमारा जो इसका जो सोफा लेगा वो हम फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली जो हमारा सोफा है उसका हमने टॉप लगा लिया, और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे का साइड है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इंच का देखिए पट्टा लगाएंगे। ये जो आप पट्टा देख रहे हैं, 6 इंच का पट्टा हमने कटिंग किया, और ये हम क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए देखिए, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 6 इंच का पट्टा यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो हम 6 इंच का पट्टा लगाएंगे, इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हम सोफा लगाएंगे वो आसानी से पकड़ लेगा और मजबूत रहेगा। तो यहाँ पे 6 इंच का पट्टा लगाएंगे, और उस पीछे साइड में भी 1 इंच का पट्टा लगाएंगे, जहाँ पर हमारे जो सोफा लेग है वो फिक्स हो जाएंगे।
तो ब्रांड देख सकते हैं आप, जो हमारा सोफा का नीचे का ढांचा है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 6 इंच का पट्टा है इसके ऊपर सोफा लेग लगाएंगे। तो ब्रांड देखिए, ये हमारा सोफा लेग है, रोज गोल्ड फिनिश एंटिक्स, ये हमारा सोफा लेग है। तो ब्रांड देखिए, ये जो हमारा सोफा लेग है इस प्रकार से लगेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो धार है यहाँ से 1 इंच अंदर रखेंगे और इस साइड से भी 1 इंच अंदर रखेंगे। इस प्रकार से ये देखिए 1 इंच अंदर रखकर हम इसको कस लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं, फाइनली जो हमारा एक साइड का सोफा है वो हमने बनाकर तैयार कर लिया। अगर अब आपको बात करें साइज की, तो ये देखिए, ये जो हमारी साइज है यहाँ से लेके ये 8.5 इंच है और ये जो हमने यहाँ पे सोफा ले लगाए 4 इंच है। तो ये टोटल उसकी हाइट है वो 12 इंच है। देखिए मैं आपको दे देता हूँ, इसकी जो टोटल हाइट है वो यहाँ पे 12 इंच है। तो फ्रेंड ये हमारा एक हो गया। इसी प्रकार से हम फटाफट जो हमारे दोनों साइड के सोफा है, जो ये इस साइड वाला और जो उस साइड जो स्लीपर है, दोनों फटाफट से तैयार कर लेते हैं। ब्रांड देखिए, फाइनली जो हमारा सोफा है वो बनकर तैयार हो गया है। मैं आपको साइज़ की बात कर दूँगा। देखिए अगर इसकी साइज़ की बात करें तो देखिए इसकी हाइट यहाँ पे देखिए 12 इंच है, यानी एक पीस की टोटल हाइट है। और उसके बाद यहाँ पे इसके 5 इंच का फॉर्म आएगा। तो ये देखिए ये 12 इंच है और 5 इंच का फॉर्म आके टोटल हाइट इसकी 16 इंच रहेगी। तो फ्रेंड ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पीछे साइड बेडशीट लगाएंगे। तो बेडशीट के लिए देखिए हमने पहले से फ्रेमिंग बना के रखी है। तो फ्रेंड देखिए, ये जो फ्रेमिंग है ये बेडशीट के लिए हमने पहले से बना के रखी है। इसकी साइज़ में आपको बता दूँ, देखिए तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा फ्रेमिंग है इसकी टोटल हाइट देखिए 19 इंच है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो हमारा टॉप है, टॉप से इसकी 19 इंच हाइट रहेगी। और ये जो पट्टा है इसकी चौड़ाई 8 इंच है। ये जो पट्टा है इसकी चौड़ाई देखिए ये 8 इंच है। और हमने क्या किया, यहाँ से देखिए यहाँ से 5 इंच छोड़ के, यहाँ से ये 5 इंच हमने छोड़ दिया। फिर यहाँ से इसको इस प्रकार से टेपर कटिंग किया। तो यहाँ से जो हमारा पट्टा है ये 8 इंच है और यहाँ से जो हमारा पट्टा है ये 4.5 इंच है। ये देखिए यहाँ से जो हमारा पट्टा है 4.5 इंच का है और यहाँ से हमारा 8 इंच का है। तो ये जो हमने यहाँ पे टोटल हाइट ना होता, तो टोटल हाइट इसकी 19 इंच रहनी चाहिए और यहाँ से 8 इंच रहनी चाहिए। और 8 इंच के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से 5 इंच छोड़ के यहाँ से 4.5 इंच इस प्रकार से आपको इस तरह से क्रॉस कटिंग कर लेना है और उसके बाद इस प्रकार से फ्रेमिंग बना लेना है। तो फ्रेंड ये हमारा फ्रेमिंग हुआ है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 4.25 इंच के मैंने टुकड़े लगा रखे हैं, ये जो टुकड़े हैं ये देखिए ये 4.25 इंच की हमने यहाँ पे कटिंग की, यहाँ पे लगाई। और ये जो हमारा टॉप है यहाँ से ये 5 इंच रहना चाहिए। जो 5 इंच का हमारा फॉर्म आएगा तो उसके लिए 5 इंच छोड़ के यहाँ पे प्लाई लगने वाला है। तो वो किस प्रकार से लगाएगा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रेम को फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है, जो आपको शॉप का जो पीछे का भाग है वहाँ से बरोबर रख के आपको यहाँ पे कील और स्क्रू के साथ से इसको फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने कील लगा लिया और अब देखिए ये एकदम मजबूत हो गया, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। फिर भी हम यहाँ पे स्क्रू और लगाएंगे क्योंकि हमें जो सोफा है एकदम मजबूत चाहिए। तो फ्रेंड स्क्रू हमने लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमने जो पट्टे लगाए थे 4.25 इंच के, उसके ऊपर हम ये 18 mm का एक पट्टा और लगाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये पट्टा हम इस प्रकार से फिक्स करेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा बेडशीट रहेगा उसके ऊपर 12 mm प्लाईवुड लगेगा। और ये जो 5 इंच का स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो फोम के ऊपर जो कपड़ा लगेगा वो कपड़ा पीछे साइड में यहाँ पे खींचने के लिए जगह चाहिए। तो ये जगह खाली रहेगी और यहाँ पे 12 mm का बेडशीट लगेगा। तो ये इस प्रकार से हम पट्टा फिक्स कर लेना है। ये दोनों पट्टा हम फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे प्लाईवुड लगा लिया। अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पर 12 एमएम का बेडशीट लगाएंगे तो उसका मेजरमेंट लेते हैं, उसके लिए हम क्या करना है यहाँ से मेजरमेंट लेना है, जो प्लाईवुड का ये नीचे का धार है यहाँ से लेके प्लाईवुड का जो ऊपर का धार है यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा 14.5 इंच आ रहा है, तो 14.5 इंच भाई जो भी अपनी लंबाई आती है लंबाई के अकॉर्डिंग हम 12 एमएम प्लाईवुड कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली यहाँ पर बेडशीट हमने लगा लिया है। यहाँ पे देखिए ये जो बेडशीट हमने 14.5 इंच का लगाया था और यहाँ पे देखिए 5 इंच का स्पेस है फॉर्म के लिए, तो 5 इंच का यहाँ पे फॉर्म आएगा, तो इसकी हाइट 12 इंच हो गई, 5 इंच का यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, तो ये 17 इंच हो जाएगा टोटल इसकी हाइट और ये 14.5 का हो गया। तो फ्रेंड ये जो सिटिंग बच्चे आपके देखिए ये सिटिंग यहाँ पे 26 इंच का बचा हुआ है, टोटल हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने 34 इंच टोटल बनाया था। जो बेडशीट लगने के बाद में यहाँ पे जो जगह बची है वो 26 इंच है, तो ये 26 इंच है और यहाँ पे 2 इंच का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंच का फॉर्म आने के बाद ये सिटिंग के लिए आपको 24 इंच का यहाँ पे मिलेगा। और ये जो हमारा यहाँ से देखिए 8.5 इंच हो गया है और यहाँ से देखिए ऊपर से दिखाइए आप, यहाँ से देखिए 5 इंच है। तो कभी भी अगर हम नॉर्मल सोफा बनाते हैं तो ऊपर से यहाँ से 2-2.5 इंच रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फिटिंग लगेगी वो हेडरेस्ट फिटिंग लगेगी, यहाँ पे जो मत्था बनेगा इसके ऊपर, तो उसके लिए आपको कम से कम ऊपर से 5 इंच और नीचे से 8 इंच होना चाहिए और 24 इंच आपकी कम से कम सिटिंग की जगह होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये हमारा एक साइड का हमने फिटिंग कर लिया और इसी प्रकार हम जो बाकी का सोफा देख रहे हैं यहाँ पर भी फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो बेडशीट लगाकर हमने पूरा सोफा तैयार कर लिया, ये देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा बेडशीट है वो यहाँ से स्टार्ट होकर उस साइड कॉर्नर से लेके और पूरा वहाँ तक हमने पूरा बना दिया है। उसके बाद फ्रेंड ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्लीपर है, तो उसमें उस साइड में जो हमारी यहाँ पे अलमारी दिख रही है आपको वहाँ पे एक 4 फीट का हैंडल बनेगा और ये जो हमारा सोफा है यहाँ पर एक 9 इंच का हैंडल बनेगा, तो इसमें सिर्फ हैंडल बनने का काम बचा है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का साइड यहाँ पर जो है इसकी फिटिंग लगेगी वो हेडरेस्ट फिटिंग लगेगी, उसके बाद इस सोफा का काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फॉर्म का काम बचेगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसका हैंडल लगा लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक बार फिर से इसकी साइज़ के बारे में बताता हूँ, इसकी जो टोटल हाइट हो गई है वो प्रेस से लेकर यहाँ तक 31 इंच इसकी टोटल हाइट हो गई है और ऐसे में ये 34 इंच है, 34 इंच है और टोटल इसकी जो हाइट अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल हाइट जो है 12 इंच है। तो फिर ये हो गया बैठने के लिए, यहाँ 26 इंच की अभी जगह है और यहाँ पर 2 इंच का फॉर्म लगने के बाद यहाँ पर 24 इंच जगह बचेगा, ये भी 24 इंच का है और ये जो हमारा ये 40 इंच का है। तो फ्रेंड फाइनली जो हमारा सोफा है इस प्रकार से देखिए बन गया, बनकर पूरा तैयार हो चुका है और अब हम इसका हैंडल लगाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे इसका हैंडल बनाएंगे, तो हैंडल आपको कभी भी अगर आप सोफा का हैंडल बनाते हो तो हैंडल का मेजरमेंट यहाँ से करना चाहिए, जो सोफा का अपना निचला भाग है यहाँ से जो हमारा हैंडल रहता है 20 इंच की हाइट में रहता है और लंबाई में जितना आपका सोफा है उतना रहता है। जैसा कि कभी कभी हम 3 फीट बनाते हैं तो जैसा ये हमारा 34 इंच है तो लंबाई में हमारा 34 रहेगा, हाइट के अंदर यहाँ से 20 इंच रहेगा और ये जो हमारा हैंडल है ये देखिए ये इस प्रकार से रहेगा, ये हमने एक साइड का 12 एमएम प्लाईवुड कटिंग करके रखा है, इस साइड से हमारा 1.5 इंच का फ्रेम ओपन दिखेगा, तो ये जो हैंडल है इस प्रकार से रहेगा। देखिए इसकी लंबाई इसकी हाइट जो हमने 20 इंच रखी है और ऐसे में हमारा 34 इंच है, तो ये हमारा इस प्रकार से रहेगा और इसकी मोटाई हम 8 इंच रखेंगे। उसके लिए देखिए हमने फ्रेमिंग भी यहाँ पे बना कर, ये देखिए ये जो हमारा हैंडल है ये इस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से हैंडल रहेगा, यहाँ से पूरा जो है 1.5 इंच का बॉर्डर दिखेगा और ये कॉर्नर इस प्रकार से राउंड होगा, तो ये फ्रेम हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं इस फ्रेम के ऊपर 12 एमएम प्लाईवुड फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमने हैंडल बना लिया 7.5 इंच का, हमने यहाँ पे पट्टा कटिंग किया था और बेडशीट लगने के बाद ये 8 इंच का हो गया पूरा, ये 8 इंच का हमारा हैंडल है, अंदर अंदर हमारा 7.5 है और इसका पूरा जो बॉर्डर है 1.5 इंच का रहेगा और ये जो यहाँ पे देख रहे हैं जगह छुटी हुई है
यहाँ से हम इसको इस प्रकार से राउंड करेंगे, उसके बाद हम आपको इसको फिक्स करके बताएंगे कि इसको फिक्स किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली हमारा हैंडल जो हमने बनाकर तैयार कर लिया, यहाँ पे देखिए 6 इंच का यहाँ पर हमने राउंड किया है, और ये जो राउंड है पूरा 1.5 इंच का कंटिन्यू रहेगा इसके ऊपर और दोनों अंदर, दोनों साइड, इसके जो बाहर का साइड है और अंदर का साइड है, दोनों साइड यहाँ पे फोम में ये पूरा कवर होगा। तो इस हैंडल को हम फिटिंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा हैंडल है, नीचे से जो हमारा सोफा है इसके लेवल में रहेगा, तो यहाँ पर हमने 4 इंच के 2 टुकड़े रख लिए हैं, इसके ऊपर हम हैंडल को रख लेते हैं इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड ये हैंडल रख लिया, और सामने से आपको क्या करना है, जो सामने का आपका फेस है इसके एकदम बराबर कर लेना है। फ्रेंड ये देखिए हमारा बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए क्या करेंगे, इसको कच्चा 1400 की कील की सहायता से फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए हैंडल यहाँ पर हमने एक बार कच्चा फिटिंग कर लिया है, ये जो हैंडल है एक बार 14 नंबर कील से कच्चा फिक्स हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 8 mm का जो हमारे पास नट बोल्ट है, इस नट बोल्ट की सहायता से इसको हम टाइट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 8 mm का ड्रिल बिट है उसकी सहायता से यहाँ पे होल निकालेंगे, और उसके बाद ये नट बोल्ट की सहायता से इसको कच्चा फिक्स करेंगे। तो चलिए हम होल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने 8 mm ड्रिल बिट से होल निकाल लिया है, और अब हम क्या करेंगे अंदर की साइड से, इस साइड से दिखाइए तो हमारा अंदर का साइड है इसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आप प्लाईवुड देख रहे हैं यहाँ पे आपको पेन की साथ से इस प्रकार से निशान कर लेना है। ये निशान कर लिया, और अब हम क्या करें हैंडल को एक बार निकाल लेते हैं। ये जो हमने निशान किया था, ये जो हमने अभी निशान किया है, इस निशान से नीचे नीचे और इस निशान से पीछे पीछे यहाँ पर हम 18 mm प्लाईवुड का टुकड़ा लगाएंगे। वो क्यों लगाना चाहिए, देखिए ये जो टुकड़ा हम इस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो कोने का खटकी बनता है इसके लेवल में यहाँ पे फॉर्म रहेगा, जो फॉर्म लगेगा वो इसके लेवल में रहेगा। तो इसमें क्या, जो फॉर्म का अपडाउन होता है वो अपडाउन कट हो जाएगा, और एकदम लेवल में दिखेगा, पूरा हैंडल एक लेवल दिखेगा। तो यहाँ पर हमें 18 mm प्लाईवुड का टुकड़ा लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से इसका टुकड़ा लगा लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो हमने निशान किया था वहां पर हमने 18 mm प्लाईवुड लगा लिया, और यहाँ पर हमारा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म आने के बाद ये पूरा एक लेवल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने होल निकाले थे वहां पे हम ये नट बोल्ट डाल के टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये क्या करना है, जो हमारे अंदर से हमने होल निकाला था वहां इस प्रकार डाल देंगे, और यहाँ पे एक वाइसर लगा के देखिए हमने यहाँ पे नट बोल्ट टाइट कर लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होल निकाला था इधर शायद थोड़ा नजदीक से दिखाइए, यहाँ पे जो हमने 8 mm ड्रिल बिट से जो होल निकाला था 1, 2 और 3, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पिस्टल बिट है इससे हम थोड़ा हल्का सा कोटेशन डालेंगे, जिससे क्या होगा, जो ये जो आप देख रहे हैं ये जो डेबरी होती है ये इसके अंदर आसानी से बैठ जाए और इसके लेवल आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस प्रकार से देखिए ये कोटेशन डाल देना इस प्रकार से। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोटेशन डाल दिया। फ्रेंड ये जो हमारा हैंडल है अब हम क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार से इसके अंदर फंसा देंगे। देखिए फ्रेंड ये हमारा फिक्स हो गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एकदम लेवल में आ गया। क्या करेंगे, ये जो डेबरी है ये नीचे के जो हमारे स्क्रू बाहर निकला उसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से अंदर हाथ डालकर। तो फ्रेंड देखिए आपको इस प्रकार से टाइट कर लेना, एक बार के लिए हम इतना टाइट करेंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे, क्योंकि जब फॉर्म लगेगा तो वापस हैंडल को खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए फाइनली जो हमारा हैंडल लगकर हमारा सोफा तैयार हो गया, ये हमारा हैंडल इस प्रकार से रहेगा, और ये जो अंदर से इस प्रकार से खाली रहेगा। तो ये इस प्रकार से कुछ इस हैंडल का डिज़ाइन है। तो ये हैंडल हमारा बन गया, 8 इंच का ये हमारा हैंडल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक हैंडल बनाएंगे, जो वो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लंबा हैंडल बनेगा, जो कि बनेगा
50 इंच लंबाई में बनेगा और हाइट में जो हमारा ये बनाया हुआ पीछे का बैक साइड 19 इंच इसकी हाइट रहेगी, 50 इंच इसकी लंबाई रहेगी और 5 इंच उसकी हैंडल की मोटाई रहेगी। तो वहाँ पर भी एक हैंडल बनाएंगे जो स्लीपर है उसके लिए। तो फ्रेंड चलिए उसका हैंडल बना लेते हैं हम। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा स्लीपर सोफा था उसके लिए हमने हैंडल बना लिया है। ये हैंडल देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, इसकी साइज की अगर बात करें नज़दीक से दिखाइए, इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है 50 इंच। ये देखिए ये 50 इंच इसकी लंबाई है और हाइट में ये हमारा जो पीछे का बैक सीट बनाया हुआ है इसके लेवल है। हाइट में जो ये पीछे का हमारा बैक सीट है इसके लेवल है और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टेपर किया हुआ है और यहाँ से 6 इंच का यहाँ पे हमने राउंड किया है। तो ये देखिए हमने इस प्रकार से इसको बनाया और ऊपर की साइड से ये भी खुला है, देखिए आप ये पूरा खुला है। तो क्या करेंगे वो जो नीचे का प्लाईवुड देख रहे हैं वहाँ पे जो हम नट बोल्ट टाइट करेंगे, तो वहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारा ड्रिल मशीन का 8 mm का ये बिट है इसकी सहायता से होल निकालेंगे और उसके बाद उस नट बोल्ट टाइट करने के बाद में यहाँ पे हम प्लाईवुड से इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका होल निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये इस प्रकार से सेट करना है, पीछे की साइड से आपको एकदम बराबर रखना है इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया और अब हम क्या करेंगे इसमें होल निकाल लेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैं आपको नीचे की साइड दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने 5 होल निकाले और इसमें हम क्या करेंगे नट बोल्ट टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड फाइनली देखिए यहाँ पर हमने नट बोल्ट टाइट कर लिया है। नट बोल्ट है ये परमानेंट इसके अंदर फिक्स रहेंगे और ये जो आप डेबरी देख रहे हैं ये जो 8 mm डेबरी बार है तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे ये जो देखिए ये जो हमने यहाँ पे होल निकाले हुए हैं ये जो टॉप के ऊपर होल है इनके अंदर हम जो हमारा 16 mm ड्रिल बिट है उसकी सहायता से कोटेशन डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो डेबरी होती है ये अंदर बैठ जाएगा। फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए जो हमारा ये ओपन है ऊपर से इसके ऊपर हम प्लाईवुड से इसको फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको यहाँ पे फिक्स करके बताएंगे। तो फ्रेंड देखिए ऊपर की साइड से हमने यहाँ पे प्लाईवुड लगाकर इसको पूरा हैंडल पैक कर लिया है और नीचे साइड में आपको पहले बता चुका हूँ नट बोल्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स करके रखे हैं। तो चलिए अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा देखिए ये जो हमने होल निकाले थे उस होल के अंदर आपको इस प्रकार से फिक्स कर देना है। देखिए ये हमारा हैंडल एकदम फिक्स हो गया और अब हम क्या करेंगे नीचे से जो हम अभी नट बोल्ट डाली थी उसके अंदर ये डेबरी टाइट कर देंगे, जिससे ये क्या है इस प्रकार से जो अभी हिल रहा है ये हिलेगा नहीं। तो चलिए हम उसको फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए इस सोफा को हमने खड़ा कर लिया है, ये देखिए ये हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया और अभी यहाँ पे क्या करेंगे जो नट बोल्ट हमने यहाँ पे लगाए थे उसके अंदर डेबरी अच्छे से फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड कभी भी आप इस प्रकार से अगर हैंडल लगाते हो ऊपर से तो आपको ये नट बोल्ट एकदम अच्छे से टाइट जरूर करना है, नहीं तो आपका हैंडल जो क्या है हिलेगा। फ्रेंड देखिए फाइनली जो हमारा हैंडल है वो हमने लगा लिया, इस प्रकार से हमारा हैंडल तैयार हो गया। यहाँ पे ऊपर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा तो ये इस प्रकार से टेपर में रहेगा, ये फिक्स हो चुका है। मैं आपको हिला के दिखाता हूँ 1% भी ये हिलता नहीं है, ये देखिए हम कितना भी हिलाएं तो पूरा ये हिलेगा नहीं, इस प्रकार से ये फिक्स हमने कर दिया। कभी भी आप अगर इस प्रकार हैंडल बनाते हो ऊपर से तो आपको नीचे से नट बोल्ट अच्छे से टाइट कर देना है। तो फ्रेंड ये हमारा सोफा का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप ये पूरा हमारा सोफा है जो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब जो आप देख रहे हैं ये जो हमारा बैक सीट है इसके ऊपर जो फिटिंग लगेगा जो हेडरेस्ट फिटिंग जिसको बोलते हैं वो लगने वाला है, जिससे क्या होगा जो मत्था बनेगा उसका वो मूवेबल रहेगा, इस प्रकार से आप उसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। तो वो अभी लगाना बाकी है तो चलिए अब हम वो फिटिंग लगा लेते हैं।